और किस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इनकी कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पैर पसारता जा रहा है, लगभग 90% ऐसा इलाका है। का ये बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। बड़ी खबर है, अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हो गई। जी हां साहब, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जंग चल रही थी और इस जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो चला गया था, अमेरिका अपनी सेना लेकर चला गया था, फिर वो कैसे जंग में कूदा है। तो आपको बता दें, अमेरिका अपने पैदल सैनिकों को, सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से हटाने के बाद आसमान से उसने जो आग बरसाई है, जो एयर स्ट्राइक किया है, उस एयर स्ट्राइक में तालिबानियों के हजारों आतंकवादी नेस्तनाबूद हो गए हैं, उनके आतंकी ढांचे तहस नहस हो गए हैं। बर्बादी का ऐसा आलम शायद तालिबानियों ने कभी देखा होगा। मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस खबर को आप शेयर करिएगा, क्योंकि आतंकवादियों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। ये तालिबानी भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए। का ये बड़ा अपडेट। और ऐसे में जो कई ठिकाने जरूरी है, क्योंकि लगभग 10,000 जो अमेरिकी हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, वीजा के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। और इस बीच में उनके सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह से तालिबान अपना पैर पसारता जा रहा है, लगभग 90% ऐसा इलाका है अफगानिस्तान का जहां पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि उसके वो 10,000 जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनको महफूज या हिफाजत से वापस अमेरिका लेके। किस तरीके से तस्वीरें आप देखिए, तालिबानियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए और 10 को अफगानी सेना ने मार गिराया है, क्योंकि रिटेलिएट हो रहा है लगातार। कई इलाकों में अफगानी सेना पूरी तरीके से अपना दम दिखा रही है। अफगान में जो तालिबान लगातार जिस तरह से अपने एक्टिविटीज को हाइप कर रहा है उसे रोकने के लिए, और कई जगह इस तरह से आर्मी एक्शन के बाद तालिबानियों के मरने की खबर भी मिल रही है। तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया, अमेरिकियों को ढेर कर दिया अमेरिका ने। तालिबानी जो ठिकाने थे उन पर अमेरिका ने स्ट्राइक की है, अमेरिका ने हमला किया है, और जानकारी मिल रही है कि कई आतंकियों को ढेर किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबान के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया गया, अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। और ऐसे में जो कई ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, कई आतंकियों को ढेर किया गया है। ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं, सुन पा रहे हैं आप। कई आतंकियों के ढेर होने की खबर है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई हमले की रिपोर्ट सामने आई है। और किस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इनकी कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में किस प्रकार से अमेरिका के जहाज तालिबानियों पर बम बरसा रहे हैं, चिन्हित कर उन पर बम गिरा रहे हैं। वो इलाका जहां पर सबसे ज़्यादा तालिबानी मौजूद है वहां पर बम बरसा रहे हैं, मतलब कि मौत का ऐसा मंजर दिखाया है अमेरिका ने तालिबान को। तालिबान की नानी याद आ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिका ने तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हवाई हमले किए, आतंकी संगठन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसकी जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दी। इन हमलों में तालिबान के कितने ठिकाने बर्बाद हुए इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पेंटागन के प्रवक्ता जान किर्बी के अनुसार बीते कई दिनों से लगभग अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को समर्थन देने के लिए हवाई हमले जारी हैं। बता दें आपको कि मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकारों से कहा कि यह हमले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी की देखरेख में किए गए हैं। बता दें आपको, किसी के अनुसार वे हवाई हमलों पर ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के बुधवार के दिए गए बयान को दोहराया। इसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगान सुरक्षा बलों और अफगान सरकार को आगे बढ़ने में मदद करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अमेरिकी वायुसेना ने लंबे समय से अफगान बलों को तालिबान के खिलाफ एक सामरिक मदद प्रदान की है। अब अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी से तालिबान का डर मिट गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के हवाई हमलों को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा तब किया गया जब अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि तालिबान ने रणनीतिक गति की हासिल कर ली है।
अफगानिस्तान के 400 से अधिक जिला केंद्रों के करीब आधे से अधिक हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और अब अगर तालिबान का पूरे देश में कब्जा हो जाएगा तो पूरे एशिया में तहस नहस मचा देगा। इसलिए अमेरिका ने इतना बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और ज़रूरी भी था, क्योंकि आतंकवादियों का सर्वनाश बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर तालिबानियों का। तालिबान बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है। ये जब किसी पर प्रहार करते हैं तो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, उस देश को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के बाद इनका अगला निशाना भारत हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबानियों को मिटाने के लिए इधर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया, उधर ताजिकिस्तान भी युद्धाभ्यास कर रहा है, भारत भी अलर्ट है। हालांकि ये बात और है कि पाकिस्तान तालिबानियों को मदद कर रहा है, चाहे सैन्य तरीके से हो चाहे आर्थिक मदद हो, हर मदद तरीके से पाकिस्तान तालिबानियों को मदद कर रहा है। अब देखते हैं कि मदद कितनी दूर जाता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। तालिबानियों का खात्मा विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है, और ख़ासकर तब अच्छी बात है जब दुनिया तालिबान आतंकवाद से जूझ रही है। ऐसे में पूरा एक कंट्री अगर वो आतंकवादी घोषित हो जाएगा तो ये आतंकवादी पूरे दुनिया में फैलेंगे, पूरी दुनिया में इनके पास घातक हथियार हो सकते हैं। वह तालिबानियों के पास अगर कहीं से गलती से एटम बम आ गया, परमाणु बम आ गया, कोई घातक मिसाइल आ गई, तो ये उस एटम बम से मिसाइल से पूरी दुनिया को दहला भी सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। अनुरोध करते हैं खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बड़ा अपडेट और ऐसे में जो कई ठिकाने जरूरी है, क्योंकि लगभग 10,000 जो अमेरिकी हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, वीजा के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, और इस बीच में उनके सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह से तालिबान अपना पैर पसारता जा रहा है, लगभग 90% ऐसा इलाका है अफगानिस्तान का जहां पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि उसके वो कई बड़ा अपडेट और ऐसे में जो कई ठिकाने जरूरी है, क्योंकि लगभग 10,000 जो अमेरिकी हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, वीजा के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, और इस बीच में उनके सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह से तालिबान अपना पैर पसारता जा रहा है, लगभग 90% ऐसा इलाका है अफगानिस्तान का जहां पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि उसके वो मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।